कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऐसा ही कुछ भोपाल में देखने को मिला, जब नशा करके कुछ युवा कार दौड़ा रहे थे। तेज रफ्तार कार से चालक का नियंत्रण हट गया और कार फुटपाथ पर चढ़ गई। इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। कार से शराब की बोतलें तक बाहर आ गिरी। ड्रिंक एंड ड्राइव के चलते राजधानी भोपाल में शिवाजी नगर चौराहे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जब एक तेज रफ्तार कार दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में दो लोगों ने दम तोड़ दिया। उनके नाम रिदम गुप्ता और अभिराज सिंह बताए गए हैं। इस हादसे में दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई और कार सवारों को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कार से बियर की बोतलें बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि ये मामला ड्रिंक एंड ड्राइव का है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बताते हैं, हादसे में जान गंवाने वाला बैंक कर्मी अपनी मां का जन्मदिन मनाने इंदौर से रेहटी आया था। रात को लौटते समय ये हादसा हुआ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।